Okay, so firstly, welcome to our channel, sir. Thank you so much for having And heartily congratulations that you are part of Sacred Games. So how yes, does it you. feel, like kaisa raha throughout journey, like shooting wagera hui hai, kaisa raha, like Saif Ali Khan ke saath kya bonding share ki hai aapne, kaisa raha aapka pura journey? Nahin, thank you so much. Bahut exciting times mein hum abhi. I'm really loving being on the digital space. Did a show abhi typewriter kiya hai, Netflix pe jo release hua hai. Aur ek hi mahine mein do shows saath release ho rahe hain. Sacred Games season 2 is coming out, so really yeah. looking forward to it. तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. देखिए, एक ऐसा शो है जहाँ पर बहुत सारे जो आपके लिए राइट्स होते हैं लाइफ में, वो मेरे लिए काफ़ी टिक मार्क्स हो गए. एक तो फैंटम के साथ काम करना, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे एक शो पे काम करना, नीरज खेवान, विक्रम मोटवानी के साथ काम करना, सैफ अली खान के साथ काम करना, नवाज़ के साथ, तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. आई एम वेरी हैप्पी एम अ पार्ट ऑफ द शो और सीजन 2 पे भी हूँ. तो बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा है, सीखने को बहुत मिला है. जब आप ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, तो आपकी विशलिस्ट में होता है एज एन एक्टर कि आप इनसे सीखें, इनसे चीज़ें इम्बाइब करें. तो आई फील एज एन एक्टर मैंने बेहद अपने आप को मतलब अपने सौंप दिया था अपने आप को इनके हाथों में. और जो वो कहते हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं, जिस तरीके से वो आपको परफॉर्म करवाते हैं, वो वाकई मतलब बहुत मज़ेदार होते हैं. और आपको एक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई सैफ इज़ अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद. व्हाट अ जॉय इट इज़. बहुत सीनियर हैं और बहुत सीखने को भी मिलता है उनसे, जिस तरीके से वो अपने रोल को, अपने काम को लेते हैं. और वरना ही जोक्स अ लॉट ऑन सेट, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. तो ऑन द होल आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ लवली टाइम एंड वेरी हैप्पी. मैं इस डिजिटल स्पेस पे अपने आप को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ. एंड यू नो, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं. एज एन एक्टर आई एम पुशिंग माई सेल्फ एंड एंजॉइंग द होल एक्सपीरियंस. ओके, सीजन 1 तो काफी हिट गया है, तो कितना डिफरेंट होने वाला है? लाइक सीजन 1 तो काफी मिस्टीरियस था, तो सीजन 2 भी इतना ही मिस्टीरियस होने वाला है या कुछ रिवील भी होने वाला है? आप कहां नहीं जाना चाहते मुझसे? देखिए, ये सबकी जुबान पे है कि क्या होगा सीजन 2 पे, पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सारी जो मसला था 25 दिन का, जो सारी चीजें जो सामने आई थी सीजन 1 में, उन सब का जवाब सीजन 2 में मिलेगा. और हां, एक्साइटमेंट उतनी रहेगी, थ्रिल्स उतने रहेंगे, मज़ा भी उतना ही रहेगा. तो ओवरऑल ये जो जॉय राइड है सीजन 1 की, ये अब निकल के सामने आने वाली है. और एक ऐसा धमाका आने वाला है नेटफ्लिक्स पे कि जो एंटिसिपेशन है लोगों की, वो पूरी होगी, पूरी तरीके से होगी. और मैं आपको बता दूं कि मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी है. जिस तरीके से कहानी बनाई है और जो एम्फेसिस किया है और जो पूरा जो मसला है, उसका समाधान आपको मिलेगा सीजन 2 के अंदर. ओके, सो आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं सीजन 2 में सेक्रेट गेम्स? मैं जो सीजन 1 में रोल प्ले कर रहा था, मेरे कैरेक्टर को थोड़ा सा एस्टैब्लिश किया था यहाँ पर. मैं और कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ. मार्कंद मेरे कैरेक्टर का नाम है. मार्कंद जो है वो आईबी से हैं, और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आईबी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और आईबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साथ में इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा टू प्ले एन ऑफिसर फ्रॉम द आईबी. और जिस तरीके की जो साथ में कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन थी, जो पता करना कि क्या हो रहा है बॉम्बे के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, ये पूरा रोल है. ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि टाइपराइटर, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आई थिंक वो भी नेटफ्लिक्स का ही पार्ट है. तो आप जब भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी शो चूज करते हैं, तो किस बेसिस पे आप स्क्रिप्ट चूज करते हैं? कैसे आप, मतलब ये स्क्रिप्ट मुझे ऑप्ट करना है, क्या इमेजिनेशन रहती है जब भी कोई स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है? वेल, मैं मुझे लगता है कि अभी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और इतने सारे शोज बन रहे हैं, ये आई थिंक आपको करेक्टली चूज करना चाहिए कि ये जो शो बन रहा है उसका स्केल क्या है, उसे कौन बना रहा है. तो मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन बना रहा है उसे, और उसका सोच क्या है शो के बनाने में. सेकेंडली, कि ये जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो मतलब ये कितना मुझे पसंद है. फिर वो दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हाउ यू वांट टू सी कि आप अपने आप को एज एन एक्टर कितना पुश कर सकते हैं. और यू नो, जो मतलब जैसे सुजॉय घोष के साथ अगर टाइप, तो मैं डायरेक्टर को भी देखता हूँ कि जो डायरेक्टर हैं वो अच्छे हों, वो बढ़िया हों, मेरे विशलिस्ट पे हों, जैसा मैं भी साथ काम करूँ. तो आई एम एंजॉइंग लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो के साथ एक शो साइन किया है मैंने विद रोहन सिप्पी. तो जो भी कर रहा हूँ, चूजिंग द बिगेस्ट एंड द नाइसेस्ट वंस. ओके, सो जैसे कि अभी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के पार्ट हो चुके हैं, इवन आपने एंकरिंग भी की है, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना पसंद आ रहा है? लाइक कितना डिफरेंट है फ्रॉम एंकरिंग एंड देन टू डिजिटल प्लेटफॉर्म? देखिए, मैं ये
कहना चाहूँगा आपसे कि आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मैं मीडिया के जो हर एक भाग है उसके अंदर मैं काम करता हूँ, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो टेलीविजन पर एक्टिंग हो, चाहे वो एंकरिंग हो, क्रिकेट की हो, और अब डिजिटल स्पेस में जो मैं कर रहा हूँ. तो ये मुझे बेहद मज़ा आ रहा है एंड आई वेरी मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं. पर डिजिटल स्पेस में बाकी ये अब मौका है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स का कि वो सामने आए, अपनी कहानियाँ पेश करें. अब कोई यू नो हमारी हिंदी सिनेमा में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक कॉमेडियन होता है, वो सारे जो दायरे हैं अब तोड़ दिए हैं. और जो सोच है एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, कि वो क्या बनाएं, अपने मन से बनाएं, जो बनाना चाह रहे हैं, तो उन्हें अब मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी स्क्रिप्ट्स को सामने लेकर आएं. और लोग भी बहुत पसंद करने लग गए हैं. सिनेमा व्यूअर्स विल ऑलवेज बी सिनेमा व्यूअर्स, टेलीविजन व्यूअर्स की अपनी जगह है, लेकिन ये जो बिंज वॉच होता है डिजिटल वर्ल्ड में कि आप बैठे हैं फैमिली के साथ, या वाइफ के साथ, या दोस्तों के साथ, यू नो 8 एपिसोड बैक टू बैक देख लें, वो कई सारी रातें होती हैं, कई सारे दिन होते हैं. मैं खुद एक बिंज वॉचर हूँ, जब मैं शो शुरू करता हूँ मुझसे रोका नहीं जाता, तो मैं पूरी रात भर बैठ के देख लूंगा. तो आई थिंक इट्स ग्रेट, यू नो एक और जरिया है ताकि लोग अपने आप को एंजॉय करें. होता है कि आप जब टेलीविजन देखते हैं तो यार अगले दिन क्या होगा, फिर वेट करना पड़ता है, यहाँ पर एक झटके भी आपने स्टार्ट टू एंड पूरा देख लिया और वो 8 घंटे बड़े एंजॉयबल होते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो टाइपराइटर की बात किया जाए, वो भी एक लाइक मिस्टीरियस सीक्रेट घोस्ट के ऊपर है, एंड इवन सेक्रेट गेम इज आल्सो अ मिस्टीरियस. तो आपको अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Amazon के साथ, तो उसमें कुछ सुपरनैचुरल नहीं है. अगर लड़कियां सुपरनैचुरल ना हो तो नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक दैट जस्ट द टू शोज में एक मिस्ट्री का एलिमेंट था. एक थोड़ा सुपरनैचुरल मिस्ट्री है, एक दूसरी गैंगस्टर वाली मिस्ट्री है. तो बस ऐसी कहानियां थी जो सामने, कोइंसिडेंस नहीं, कोई ऐसी और कोई बात नहीं है. टाइपराइटर के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब क्या है, मतलब जैसे कि रिलेटेड टू घोस्ट एंड मिस्टीरियस वो भी है, क्या क्या मतलब क्या रोल आप उसमें प्ले कर रहे हैं, क्या होने वाला है उसमें? टाइपराइटर हाल ही में रिलीज हुई है Netflix पे और बहुत ही उससे अच्छा प्रीसेशन मिला है, काफी अच्छा है. करेक्ट. तो मेरा रोल उसमें पीटर का है, पीटर फर्नांडिस, जो एक क्रिश्चियन आदमी है, और ये बेसिकली अपनी फैमिली के साथ गोवा जाता है, उसके वाइफ के एंसेस्ट्रल होम में जो जिसका नाम बार्डेज विला है. और उस बार्डेज विला में कुछ ऐसी बात है जो जो मतलब लोगों को डरा सकती है. तो कुछ सीक्रेट्स हैं उस विला के, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी आ जाती हैं सामने कि पूरी फैमिली और काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं. तो ये एक फैमिली मैन है, ही लव्स हिज वाइफ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, आर्किटेक्ट है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहा है गोवा पे. उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हो रही हैं शादी से दूर जो जो बाकियों को पता नहीं है, जो आप जब शो देखेंगे आपको एहसास होगा. और वो बिल्डअप है एक सीजन 2 का कि आने वाले सीजन में क्या होगा, और वो जो क्या सीक्रेट्स हैं जो ये छुपा रहा है लोगों से, वो खुल के सामने आएंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा. ये बार्डेज विला जो है इतना शानदार विला बनाया उन्होंने, जो पूरा कंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो मैं हैरान हो गया देख के कि मतलब आप एक एज अ मेकर आप इतना डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं कि जो जो पूरा वुडवर्क है, जो जिस तरीके से बनाया है, और सुजोयदा के साथ काम करना, मतलब वो जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा है. इतने शानदार आदमी, इतने इजी चिल्ड आउट रिलैक्स्ड आदमी, आपको एज एन एक्टर इतना कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, चाहे 12 घंटे की शिफ्ट हो, 18 घंटे की शिफ्ट हो, द मैन इज ऑलवेज लाफिंग, मुस्कुरा रहे हैं. कुछ कभी आपने फंबल कर दिया, रीटेक हो गया, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और इन मतलब और इतना श्योर है. मुझे याद है जब शूटिंग के दौरान वो बदला की भी एडिटिंग कर रहे थे, तो मतलब 13 घंटा हमारे साथ शूट करना, निकलना, एडिट स्टूडियो में जाना, वहाँ पूरी रात एडिट करना, दोबारा सेट पे आना. सो यार मतलब इश्क करते हैं जो जो काम करते हैं उससे. तो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन टाइपराइटर एज़ वेल. ओके, सो जब भी कोई भी रोल प्ले करते हैं एक एक्टर काफी इंटू हो जाता है, तो सच काइंड ऑफ मिस्टीरियस जब भी आता है तो दिमाग भी लाइक आफ्टर शूट भी काफी मिस्टीरियस माइंड हो जाता है. मतलब आप थोड़े वायर्ड हो जाते हैं क्योंकि काफी सारे लंबे घंटे होते हैं शूट करने के. और हाँ, आपको जैसे नीरज घेमान जो है सीक्रेट गेम्स के अंदर, वो सबको बिठाते थे और कहते थे कि यू नो आप ये सब महसूस करो, सब महसूस करो क्या हो रहा है, सब जोन में आओ, सोचते रहो क्या होने वाला है.
तो आप अपने आप को वहां लेके जाते थे, तो वहां पूरा दिन वहां बैठे हैं ऐसे कि आप जोन में हैं, जोन में हैं, तो जब निकलते थे तो थोड़ा टाइम लगता है अनवाइंड करने में। लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बड़ा इजीली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं 2 साल के बच्चे की तरह हूँ, मेरा टेंशन स्पैन उतना ही है। मैं आ जाता हूँ अपने कोई अपना PlayStation 4 अपना गेमिंग कॉन्सोल लगा दूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं खेलूंगा एक दो गेम्स, मैं अच्छा सा खाना मंगा के खा लूंगा, अपनी वाइफ के साथ बात कर लूंगा, बाहर डिनर पे चले जाऊंगा, तो मैं फिर भूल जाता हूँ क्या गेम मैंने। ओके, सो लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस एनी फर्दर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन? एज आई सेड, आई जस्ट फिनिश्ड शूटिंग फॉर FOMO शॉर्ट्स फॉर Amazon सीजन 2, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। What's it all about? FOMO Shots is a very popular show that's come out on Amazon. It did really well season 1. Uska dusra bhag hai, where I'm it's a story of the trials and tribulations of women in the city that are represented through these four actors, four girls who are on the show. To wo khatam kiya hai, bahut hi interesting kaam raha hai uska, and people are looking forward to season 2 that should be out soon. And as I mentioned, I've signed a show with Jio, with Rohan Sippy sir, and that is a big show and again a mysterious show. Thoda usme bhi kafi mystery hai, to kuch ho raha hai meri life mein, aise mystery wali cheeze aa rahi hain, par wo bhi shuru ho gaya at the end of the year. Wo thoda barf mein hai setting hai, thoda pahadon mein setting hai, so that's something I'll be starting off. Okay, so Sacred Games ki koi memories aap share karna chahenge, like Saif Ali Khan ke sath apna itna work bitaya, नवाजुद्दीन के साथ इतना वर्क बिताया, एनी लाइक ऑफ सेट जो भी मस्ती वगैरह होती है, अगर वो आप थोड़ा बता देना, कितनी आफ्टर शूटिंग कितनी मस्ती और कितनी बॉन्ड्स आप लोग शेयर करते हो? आई थिंक व्हाइल शूटिंग ओनली विद सैफ, विद आमिर बशीर, नीरज काबी सर, सबके साथ बैठे हैं, सबके साथ बातचीत हुई है। यू नो आई हैव मेरे पास आई हैव टू किड्स, सैफ ऑफ कोर्स यू नो भी छोटा, ही इज गॉट अ सन, तो मतलब ऑन पेरेंटिंग में काफी बात होती है कि नैपीज पे बात होती है, काफी उन चीजों पे बात होती है, अदरवाइज जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, यू नो मतलब हंसते रहते थे हम, इनफैक्ट द मेनी टाइम्स वी क्रैक्ड अप ऑन सेट एंड लाफ्ड अनकंट्रोलेबली फॉर नो राइम और रीजन, तो वो भी होता था कभी-कभी। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स यार, कि इतने सारे टेंशन के बीच में आप थोड़ा कुछ कर दें, यहां वहां कर दें, फिर वेटिंग भी बड़ी करनी पड़ती थी क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं, यू नो, तो इट वाज लॉट ऑफ फन, इट वाज अ ग्रेट experience on the whole, and you know kuch aise show hote hain, I think ye ek aisa show hai Sacred Games jisne India ko duniya ke digital map pe dala hai, yeah, you know jaise Narcos jaise shows hain, Money Heist jaise shows hain jo apne deshon se aaye hain aur baki logon ne dekha hai, ise pasand kiya hai. Main hairan tha jab mujhe bataya gaya ki Sacred Games ko agar 2 out of 3 people have been foreigners or not Indians who have watched the shows. Watch the show. So that means ke ek global level pe log dekh rahe hain ise. So I'm just very happy to be a part of it. I'm very happy that it's in my life. And I'm saying that main ye bahut enjoy kar raha hu apne aap ko as an actor. Cricket se bhi juda hua hu abhi bhi. Main cricket buzz pe cricket anchoring kar raha hu. Wo meri zindagi ka ek hissa hai. As a sports lover, as a sports fan, तो मैं वो नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं सोनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्रिकेट भी कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस किए, आईपीएल के काफी मैचेस किए, सो इट्स बीन अ फन वन, इट्स बीन अ आई एम रियली इन अ गुड स्पेस, और जब सबसे टाइम मिलता है तो विद माय किड्स आई मूव अराउंड विद देम, मैं स्कूल छोड़ता हूँ, उन्हें वापस लेकर आता हूँ, छुट्टियाँ ढेर सारी लेता हूँ, सो आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। ओके, सीजन 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है, क्या क्या रिएक्शन आए हैं आपके फ्रेंड्स से, इंडस्ट्री के से, क्या क्या रिएक्शन आपको मिले हैं? आई थिंक पीपल हैव बीन वेरी हैप्पी ट्रेलर देख के, काफी मतलब एंटिसिपेशन है। मैं कल रात को इनफैक्ट एक दोस्त के घर गया था, देयर वाज अ बर्थडे पार्टी, और सब मुझे क्योंकि जानते हैं मैं शो पे हूँ, तो सब कह रहे थे कि यार यार क्या होता है, अच्छा मत बता यार क्या होता है, अच्छा नहीं मत अच्छा थोड़ा बता दे, तो ऐसे मतलब रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत एक्साइटेड है लोग, एक मतलब एक बेंचमार्क बना दिया है शो ने, सो ये सवाल लोग पूछे जा रहे हैं कि क्या है, क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, मैंने ये कर रहा हूँ, अच्छा तो ठीक है थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा झूठ भी बोल लेता हूँ कि एक्चुअली ये होता है शो में, तो फिर मैं अपनी कहानियां बना के लोगों को, अच्छा ये होता है, मैंने कहा नहीं ये नहीं होता है, पर फिर बोला क्यों, मैंने कहा ऐसी मस्ती के लिए, तो ये मैं कर रहा हूँ लोगों के साथ, बट पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक आपने एंकरिंग की है, आप टीवी में भी कर चुके हो, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ छोड़ा है जो आपको करना बाकी है? मैं सोच रहा हूँ चांद पे जाऊँ उसके बाद में, जिसे आप कह रही हैं, नहीं बहुत करना बाकी है जी, बहुत बहुत सीखना बाकी है, करना बाकी है। What are you doing going in and out? Beer ना? नहीं करना बहुत बाकी है जी, ऐसा है कि as an actor I'm
एज एन एक्टर आई एम रियली मुझे मजा आता है सीखने में और मैं मुझे मुझे पसंद है अपने आप को चैलेंज करना. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पोर्ट्रेइंग सम वंडरफुल रोल्स, वर्किंग विद ग्रेट डायरेक्टर्स, अच्छे शोज पे काम करूँ यू नो, और ये एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में गेन करूँ. यू नो, दिल्ली से बॉम्बे आया था टू बिकम एन एक्टर प्राइमरीली. कहीं ना कहीं बीच में क्रिकेट आ गया, एंकरिंग आ गई, इट गेव मी अ लॉट. बट आई थिंक नाउ इज द टाइम वेयर आई जस्ट एम रियली फोकसिंग ऑन यू नो प्लेइंग द राइट रोल्स, यू नो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग. तो मुझे लग रहा है मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ. I think I'm starting off and I'm learning every day and I'm wanting to work on good projects and work with good people. Okay, so we'll end up here. And anything you want to say to your fans who loved Secret Game season 1, and you want to say anything about season 2 to your fans, any like wishes or you want to give, because season 1 to already full hit gaya hai. जी. Season 2 ke liye kuch kehna chahenge aap apne fans ke liye, like itna pyar jo aapko mil raha hai. Well, I just want to say ki thank you guys ki aap मुझे मुझे देखते रहते हैं एंड यू फॉर फॉलोइंग माय वर्क ओवर द इयर्स. यस यू नो विद टाइपराइटर, विद सेक्रेट गेम्स, विद द अदर शोज आई एम डूइंग, आई एम रियली एंजॉयिंग द डिजिटल वर्ल्ड. प्लीज वॉच व्हाटएवर आई एम डूइंग एंड कीप राइटिंग टू मी ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आई वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव टू से अबाउट द वर्क आई एम डूइंग एंड आई विल राइट बैक टू यू. एंड या लुक आउट फॉर, प्लीज वॉच टाइपराइटर, प्लीज वॉच सेक्रेट गेम्स पार्ट टू, आई नो यू विल. And enjoy it and binge on it and let me know your reactions. Thank you all for all the love. Thanks. Thank you so much. It was nice talking to you, sir. Likewise, likewise. Cut. Easy to cut, yaar. So.